उत्तराखंड के खानपुर से बीजेपी के निलंबित विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पिछले दो दिनों से सुर्खियों में हैं। चैंपियन के विवादों में होने की वजह एक वायरल वीडियो है जिसमें वो हथियार लहराते और एक फिल्मी गाने पर नृत्य करते हुए दिख रहे हैं। तमंचे पर डिस्को कर रहे हैं चैंपियन। इससे पहले भी इनकी इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई हैं। इसी पर बात करने के लिए खुद डॉक्टर प्रणव सिंह चैंपियन हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनका पक्ष जानेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि कल कौन सा वायरल वीडियो सामने आया है। चैंपियन, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आप कई बार के विधायक हैं, उत्तराखंड से लगातार चुने गए हैं, आपसे जानना चाहूंगा इतने अश्लील और फूहड़ गाने पर तमंचे लेकर डिस्को करते हुए आपको लाज नहीं आती? साहब बहुत ठीक आप कह रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनको यही लगेगा, लेकिन सत्यता यह है कि इस वीडियो को टेम्पर किया गया, इसमें डबिंग की गई, इसकी एडिटिंग की गई। हुआ ये आप बंदूक लेकर खड़े हुए हैं नहीं विधानसभा चैंपियन, ये बताइए आप बंदूक लेकर खड़े हुए हैं कि नहीं? वो भी एक नहीं, तीन तीन बंदूक। आपके हाथ में शराब का ग्लास है कि नहीं? किसी में ना गोली है, ना गोली है, ना उसमें लोडेड है, अनलोडेड वेपन है, सेफ्टी के साथ उनको लिया है। आपने भले से उनको सेफ्टी के साथ लिया होगा, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा, इससे पहले भी हवाई फायरिंग की कई वारदातें आपके नाम पर रिपोर्ट हुई है, आपने होटल के एक व्यक्ति को गोली मारा, उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन सवाल यह है कि इस तरह का वीडियो अपने समर्थकों के साथ बनाना, उसको इंटरनेट पर वायरल करना, क्या किसी रूलिंग पार्टी के विधायक को शोभा देता है? और खासतौर पर बीजेपी की विधायक जो चाल चेहरा और चरित्र की बात करते हैं, इसीलिए पार्टी ने आपको सस्पेंड कर दिया। साहब ये हमारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया, एक फंक्शन था 3-4 साल पहले किसी कार्यकर्ता के बच्चे का, जब फंक्शन पूरा हो गया बर्थडे का, रात को 1:30 बजे कार्यकर्ता ने कहा कि साहब हमारे फैमिली वाले लोग हैं, पर्सनली आप हमारे साथ शिरकत कीजिए, मजबूरी है, नेता की कार्यकर्ता की बात माननी पड़ती है, ये खुले में नहीं है, एक कमरे के अंदर उनके घर का है। लेकिन आप इतने सीधे तो नहीं दिखते कि कार्यकर्ता की बात मानने के लिए आप बंदूक लहराने लगेंगे और अपनी तस्वीरें खिंचवाने लगेंगे? साहब तस्वीरें नहीं खिंचवाई हैं, ये स्टिंग किया गया है, आपको लगेगा सामने से जो व्यक्ति है स्टिंग कर रहा है, हमारे पीछे षड्यंत्रकारी पिछले दशकों से लगे हुए हैं। अगर आप कार्यकर्ता के घर पे गए थे तो कार्यकर्ता के घर पे आपने आपका किसने स्टिंग कर लिया? वो तो आपका कार्यकर्ता है जिसकी बात मानने को आप मजबूर है, वहां पर आपने आपका किसने स्टिंग कर लिया? आपको तथ्यों के साथ सामने आना चाहिए। और अगर आपका स्टिंग हुआ है तो क्या आपने स्टिंग के खिलाफ सामने आने के बाद रिपोर्ट की है, मानहानि की रिपोर्ट की है, क्या ये बताया कि आपकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश की गई, और कौन व्यक्ति है इसके पीछे, इसका भी खुलासा करिए। साहब मैं पिछले 3 हफ्ते से बेड रेस्ट पर हूं, आपको बता दूं मेरे पैर में बड़ी गंभीर चोट थी, उसका ऑपरेशन हुआ है, अभी भी मैं बेड रेस्ट पर हूं। मेरे द्वारा व्हाट्सएप पर तहरीर भेजी गई है अपने यहां के इंस्पेक्टर को और एसएसपी को, कल भेज दी गई है, जैसे मुझे पता लगा कल ये कार्रवाई की गई है, और कार्यकर्ता के घर में भी कोई नातेदार जानकार उनका होगा जो शायद हमसे कुछ रश करता हो, ईर्ष्या करता हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो। मैं ये जानना चाहता हूं चैंपियन, इस तस्वीर के सामने आने के बाद जिस तरह का गाना चल रहा है, जिस तरह की लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लैंग्वेज मैं दिखा तो नहीं सकता, सुना भी नहीं सकता, लेकिन उसको बीप करके दिखाऊंगा,
क्या आप इस वीडियो के सामने आने के बाद माफी मांगेंगे और चैंपियन की इस तरह की आगे कोई तस्वीर हमको दिखाई नहीं देगी? साहब, जो ये दिखाया जा रहा है वास्तव में अशोभनीय है, और इसमें मैंने फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये डब्ड है और इसमें एडिटिंग की गई है, लेकिन जो ये इस तरह की इमेज जनप्रतिनिधि की गई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और वास्तव में आइंदा से ऐसा कोई भी प्रकरण आपके प्रकाश में नहीं आएगा। आपने कहा आप क्षमा प्रार्थी हैं, पार्टी को आप क्या कहेंगे? उन्होंने आपको निलंबित कर दिया, आप क्या जवाब देंगे? आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, और 2016 से लेकर अगर 2003 से मैं शुरू करूं और 2019 तक के किस्से सुनाऊं तो ऐसे 10-12 किस्से निकल आएंगे जब आप बंदूक लहराते हुए दिखाई दिए। मान्यवर, जितने मुकदमे मेरे ऊपर हुए हैं वो सब झूठे थे, मैं सब में बरी हुआ हूं। अभी कुछ देर पहले आपने कहा होटल वाले को गोली मारी, गोली नहीं मारी मान्यवर, वो झूठ अफवाह है। हमारे ऊपर झूठा मुकदमा किया गया जिसमें बाइज्जत बरी हुए हैं। इसी तरह से जो हमारे विरोधी हैं, हमारे विकास कार्यों को लेकर के आहत हैं, जो अधम विकास मैंने कराया 20 साल में, मैं विकास पुरुष के नाम से जाना जाता हूं, वो अनर्गल आरोप लगाते हैं जिनमें बार बार हम बरी हुए हैं, मुकदमे हुए हैं, अभी भी कोई सज्जन मुकदमा कर रहे हैं, और मैं इसमें पूरे तथ्य ला करके रहूंगा। इस वीडियो की जाँच होगी। जब आप रुड़की में एक पार्टी के अंदर डांस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूं। फुल फ्रेम भी दिखाइए और चैंपियन को भी दिखाइए ये वीडियो कैसा है और क्या इनको शोभा देता है ये वीडियो। चैंपियन, मैं यहां जानना चाहूंगा, दूसरी तस्वीर मैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए होल्ड करूंगा, मुझे बताइए आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं और एक लड़की आपके सामने डांस कर रही है, आप विधायक हैं, अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं, आपको इस तरह का नृत्य क्या शोभा देता है अपने सामने करवाना, वो भी एक लड़की से? ये साहब कई वर्ष पुराना है, हमारे बच्चे का जन्मदिन था, उसमें लोक संगीत वाले आए हुए थे। ये लोक संगीत लगता है आपको? उनको ये अगर आप इसको लोक संगीत कह रहे हैं तो ये लोक संगीत का अपमान है चैंपियन। मानेवर, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। ये डब्ड वीडियो, इसमें बाद में म्यूजिक डाला गया है, वो लोक संगीत वाले बगल में मैनपाल बसेड़ा है, आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं, वो उत्तर भारत के सिंगर हैं, वो कह रहे थे कि साहब हम अपना इस तरह का प्रदर्शन करेंगे। एक पार्टी और मुजफ्फरनगर की आई थी, वो लोग दिखा रहे थे, ये तब किसी ने लिया है। लेकिन आप यही नहीं रुकते, आप पत्रकारों को भी धमकियां देते हैं। कैसी धमकियां देते हैं मैं आपको दिखाता हूं, पत्रकारों वाला वीडियो दिखाइए जो हाल का वीडियो है, जब हमारे कुछ साथी आपके पास गए तो आपने किस तरह से उनको धमकी दी ये सुन लीजिए, और तस्वीर में चैंपियन को भी दिखाइए, देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं चैंपियन। इन्होंने कहा ये भी कह रहे हैं पैसे मांगने आए, भाई देखो कम से कम 7 साल से मैं जानता हूँ, आप मुझे जानते हो, मैंने आपसे 10 रुपए I am IFS qualified, first thing. No other MLA in Uttarakhand or India, and tell me who is IFS qualified. Secondly, I am 7-year national heavyweight champion, an Asian champion. Can you bring any politician in India who is Asian champion, who is IFS qualified, and who is winning regularly 7 elections in a row? Tell me that and talk me in the language I am talking to you, not Hindi. क्यों हिंदी मेरी मातृभाषा है? Talk to me. क्यों मैं हिंदी बोलूंगा? आप तो बोलिए, बोल नहीं सकते हैं? क्यों वो नाकाबिल होते हैं जो अंग्रेजों के टुकड़ों में पले हुई भाषा की बात करते हैं? बेटा आईएफएस हूँ, औकात नहीं तुम्हारी, औकात नहीं तुम्हारी। एक बात बताओ मुझे, वर्ल्ड इंडियन बुक सर देखिए, आप महान है, कोई गलती आप नेता ने दो चीजें आप लोग मेरी इमेज दो कोटी का पत्रकारों को आप बोल रहे हो औकात नहीं तुम्हारी, एक जगह बोल रहे हैं आप गोली मार देंगे, ये कौन सी भाषा हुई? क्या किसी विधायक को जो अपने आप को हाईली क्वालिफाइड कहता है, जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखवाता है, ये भी शोभा देता है कि वो पत्रकारों से इस लैंग्वेज में बात करे? नहीं साहब, ना तो मैं डॉक्टर लिखता हूं ना मैंने अभद्रता की है, ये एडिटेड वीडियो है, मेरा पक्ष भी सुनिए। ये 13 जून 2019 का है, हमारे कमरे में पत्रकार जबरदस्ती दाखिल हुए, हमारे पीआरओ इस्लाम वहां पर थे, उनको धक्का दे करके अंदर आए,
मैंने कहा भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि आप 5-5 गाड़ी लेके चलते हो, 25-25 आदमी, इतना खर्चा करते हो, क्या पत्रकारों को प्रेस का नहीं बनता है? 50,000 रुपए हमें दीजिए। मैंने कहा आप कमरे से बाहर निकलिए। ये उस समय की उन्होंने फिर ये स्टिंग किया हुआ था, जेब में कैमरा रख के लाए हुए, आप देखेंगे कभी मेरा पैर दिख रहा है, कभी सीना दिख रहा है, कभी मुंह दिख रहा है। ये स्टिंग ऑपरेशन था। चैंपियन ये बता दीजिए आपका स्टिंग क्यों होता है? आप ही बंदूक लहराते हुए क्यों दिखते हैं? आप ही प्रतीत होता है क्योंकि विकास दिखते हैं। आप ही को क्यों निलंबित किया जाता है? अब आपको परमानेंट रूप से निलंबित कर दिया गया है पार्टी से। आप पार्टी के लिए मुसीबत बन गए उत्तराखंड में। ऐसा नहीं है मान्यवर, ये सब मिथ्या आरोप लगाए गए, मेरा स्पष्टीकरण तो आने नहीं देती क्योंकि प्रेस मेरे खिलाफ है। आपको बताऊं, प्रेस मुझे टीआरपी की तरह लेती है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में आगे देखिए जो काम 50 साल में नहीं हुआ। महोदय आपसे मतलब नहीं, प्रेस में सब 5 उंगलियां एक सार नहीं है। बहुत से हमारे बंधु हैं, पत्रकार बंधु जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, सब नहीं है। अब मेरा पक्ष आने नहीं देते हैं, देखिए मुझे टीआरपी बना देते हैं, ऐसे ऐसे मेरे बारे में दिखा रहे हैं। क्या मुझसे स्पष्टीकरण ना लेते? एक बार मेरा वीडियो कोई मिला है? मेरे पॉजिटिव वीडियो को नहीं दिखाते? मैंने अभी हजारों बेरोजगार युवाओं की नौकरी के लिए मैंने इंतजाम किया, उसको नहीं दिखा रहे हैं? ये वीडियो जो विरोधियों ने अपलोड कर दिया पुराना, उसको दिखा रहे हैं? ये सब दिखाता है कि मेरे खिलाफ जो विरोधी हैं वो एकजुट हैं, क्योंकि विकास पुरुष हूं। इतना काम किया है 5 साल में जो 50 साल में नहीं हुआ मान्यवर। मेरे क्षेत्र में आके आप ब्यौरा ले लीजिए। करेगा मुझे बताइए चैंपियन, कोई विकास पुरुष इस तरह की हरकत करेगा? आप अपने आप को विकास पुरुष कह रहे हैं, वो इस तरह की हरकतें करेगा? अर्धनग्न शरीर के साथ महोदय हरकतें आपको एडिट करके दिखाई जा रही है? इसमें कुछ भी एडिटेड नहीं है, एडिट करके दिखाई जा रही है। आप रॉ फुटेज दिखा रहा हूं, बिल्कुल चैंपियन रॉ फुटेज है। मानेवर जो पत्रकारगण आए थे पैसा मांगने के लिए अवैध वसूली का, अपना तो उन्होंने कहां दिखाया जब पैसा मांग रहे थे? जब मैंने उनको बाहर जाने के लिए कहा वो नहीं दिखा रहे हैं? वो सब पूरा दिखाए ना, एडिट करके क्यों दिखा रहे हैं? आखिरी सवाल प्रोवोक करके हमें उत्तेजित के लिए, इन हरकतों के लिए क्या आप शर्मिंदा हैं? आपने जो ये हरकतें करी है शर्मिंदा है? और मिलाकर सभी हरकतों के लिए आप माफी मांगते हैं कि हम चैंपियन की ऐसी तस्वीरें नहीं देखेंगे? क्योंकि खानपुर की जनता अगर आपको फिर से चुनेगी तो ये तस्वीरें भी उनके जेहन में होंगी कि हमारा विधायक ऐसा करता है। मान्यवर आपने बहुत अच्छी बात कही, अपना जवाब सवाल का आपने खुद दे दिया। क्या कोई व्यक्ति 7 चुनाव एक ही क्षेत्र से जीत सकता है अगर इस तरह की बातें करे? अगर 18-18 घंटे जनता की सेवा में समर्पित मेरा परिवार और मैं ना रहे तो मेरी धर्मपत्नी 3 चुनाव और मैं 4 बार विधायक एक ही क्षेत्र से बन सकता हूं? आप देख लीजिए हमारे खिलाफ षड्यंत्र ज्यादा हो रहा है, कुछ ऐसा एक्सेप्शनल ट्रेड दिखा दिया है। मैं जनसेवक हूं साहब पूरी तरह, और जो उत्तराखंड राज्य के लिए अब शब्द कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। मेरी दादी जी खुद दुष्ट राजपूत थी। तस्वीरें सामने आई हैं, चलते चलते मुझे खत्म कर रहे हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए कि वाकई मैंने जनप्रतिनिधियों के चेहरे पर एक ऐसा कालिख लगा दिया जो शायद कभी नहीं मिटेगा। मान्यवर ये मैं क्या कहूं, षड्यंत्र है, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अगर जनप्रतिनिधि के लिए इमेज ऐसी जाती है तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन षड्यंत्र के तहत है महोदय, ये कहना चाहूंगा। चलिए डॉक्टर प्रवीण सिंह, आपसे उम्मीद हम करते हैं कि आप कम से कम फिर से तमंचे पर डिस्को करते हुए न दिखाई दे। तो न्यूज नेशन की ये कोशिश थी कि प्रवीण सिंह चैंपियन की बात को सामने रखा जाए। उन्होंने इन तस्वीरों के लिए और उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए माफी अब मांग ली है।